गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एगेलियन। ठीक है, और जो प्रीवियस क्लास थी उन्होंने हमें डिस्कस किया था कि व्हाट इज द एनीमिया, एनीमिया क्या होता है, उसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं एनीमिया का, और कौन से एज ग्रुप में ज्यादा रिस्क होता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमें प्रीवियस क्लास में क्या किया था, डिस्कस किया था। नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द साइन सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू द योर सिम्टम, जो आपकी बॉडी ऑर्गन है उसमें एनीमिया का क्या सिम्टम दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं एनीमिया को देखेंगे। फर्स्ट वी हैव टू सी आई। आई में आपको क्या सिम्टम्स दिखेगी कि आई येलो, आई का कलर जो है येलोइश कलर का दिखने लग जाएगा, देन स्किन स्किन पेनलेस कोल्डनेस एंड येलोइंग हो जाएगी। इसका हेड भी जो है शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ हो जाएगा, मस्कुलर वीक हो जाएगा। इंटेस्टाइन जो है वो चेंज टू कलर हो जाएगा। सेंट्रल जो है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें स्पाइनी ड्रेनेज एंड फैंटिंग को फील होगा। ब्लड प्रेशर जो है लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा बॉडी का आपका ब्लड प्रेशर। हार्ट पल्पिंग इरिटेशन, रैपिड हार्ट रेट, चेस्ट पेन, एंजाइना, हार्ट अटैक, स्टेज इनलार्जमेंट। ओके, यदि जो सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू योर बॉडी ऑर्गन। ठीक है, जो एनीमिया है आपके बॉडी ऑर्गन्स को किस तरीके से इफेक्ट करता है। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम द एनीमिया, तो उसके बॉडी ऑर्गन्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हम देखने को देख रहे हैं। तो हमने देखा आईज में, तो आई का कलर जो है येलो कलर का दिखेगा। स्किन आपकी भी येलो, स्किन जो है येलो हो जाएगी, कोल्डनेस एंड येलो फील होगा। अगर साइटरी सिस्टम, अगर रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करें तो रिस्पायरेटरी जो है वो आपको जो ब्रीथ है वो शॉर्टनेस ब्रीथ का होगी, फील होगी। मस्कुलर वीक हो जाएगा। इंटेस्टाइन है जो, तो उसमें स्टूल का कलर चेंज हो जाएगा। सेंट्रल की अगर बात करें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो आपको फटिंग फील होगा इफ यू सफरिंग फ्रॉम द एनीमिया। डिक्रीज फटिंग इन द ब्लड प्रेशर में जाए तो जो आपका ब्लड प्रेशर है जो, तो वो क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर लो होगा। ठीक है, इफ यू हैव सफरिंग फ्रॉम द एनीमिया। देन हार्ट रेट में पाल्पिटेशन फील होगा, रैपिड हार्ट रेट होगा, चेस्ट पेन, एंजाइना, हार्ट अटैक, स्पेन में तो इनलार्जमेंट हो जाएगी। ओके, द सिम्टम्स ऑफ द अकॉर्डिंग टू योर बॉडी ऑर्गन। ओके, देन इन्वेस्टिगेशन इफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द एनीमिया की आपको जो सिम्टम्स है वो आपका फिज, जैसे आप फिजिकल एग्जाम जो मैंने अभी बताया कि बॉडी ऑर्गन्स में ये चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो अगर जो सिम्टम्स है आपको फिजिकली आपने एग्जामिन कर लिया है, ठीक है, फिजिकली एग्जामिन करने के बाद आपको जो सिम्टम्स है वो देखने को मिलते हैं, तो उसके बाद आप क्या करोगे, लेबोरेटरी टेस्ट करोगे, इन्वेस्टिगेशन करोगे। तो कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन करेंगे आप वो हम देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली द रेट ऑफ पॉपुलेशन इज डिफाइंड बाय द क्वालिटेटिव पैरामीटर्स। द क्वालिटेटिव पैरामीटर्स दो पैरामीटर्स के थ्रू हम रेट से इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, देखेंगे। तो फर्स्टली पे आपको सी क्वालिटेटिव पैरामीटर्स को वैल्यू ऑफ द पैड्स हियर, दैट इज द हीमोमेटोक्रिट। ठीक है, जो पैड से है उसे अपन क्या बोलते हैं, हीमेटोक्रिट बोलते हैं। उसका वैल्यू अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे, हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन देखेंगे, रेड सेल कंसेंट्रेशन पर यूनिट वैल्यू देखेंगे कि रेड सेल्स कितना है। ठीक है, क्वालिटेटिव पैरामीटर्स में मीन कॉर्पस कॉर्पस्कुलर वैल्यू देखेंगे, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन देखेंगे, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन देखेंगे। ओके, सो वी हैव टू सी रेड ब्लड सेल्स क्वांटिटेटिव एंड द क्वालिटेटिव पैरामीटर्स, द क्वालिटेटिव पैरामीटर्स, द क्वालिटेटिव पैरामीटर्स। ओके, देन अब देखेंगे किस तरीके से हम जो क्वालिटेटिव पैरामीटर्स है वो, उसमें हम क्या जो हेमोफेटिक है उसमें उसका प्रपोजिशन हम क्या देखेंगे, क्या प्रॉपर्टीज हम उसमें इन्वेस्टिगेट करेंगे। ओके, तो हेमेटोक्रिट, हेमेटोक्रिट दैट इज अ पैड सेल। ठीक है, तो वो क्या देखेंगे, इट इज द प्रपोर्शन ऑफ द वैल्यूम ऑफ द ब्लड सैंपल दैट इज ऑक्यूपाइड बाई द आरबीसी। ठीक है, जो पैक्ड से है उसका वैल्यूम हमें देखना है। ठीक है, आरबीसी में कितना पैक्ड से मतलब जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है, उसका वैल्यूम कितना है वो हम क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो जो मैन है तो उनमें -45 to -52% नॉर्मल वैल्यू होना चाहिए। इफ इससे कम होता है, इससे ज्यादा होता है, तो वो क्या हो जाता है, वो एनीमिया का क्या करते हैं, कॉज करता है। ठीक है, जो वुमेन है वो क्या है, -36 to -48% होना चाहिए मैन में। ठीक है, सेल वैल्यू हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन दैट इज अ क्वालिटेटिव। ओके, तो
सेल वैल्यू हीमोग्लोबिन परसेंटेज करके तो अमाउंट ऑफ द हीमोग्लोबिन पर यूनिट वैल्यू ऑफ द ब्लड। इसमें अपन क्या करते हैं, सेल अमाउंट सेल वैल्यू हीमोग्लोबिन परसेंटेज में आपका जो ब्लड है उसमें जो हीमोग्लोबिन है उसका अमाउंट कितना है वो चेक करते हैं। ठीक है, ब्लड में हीमोग्लोबिन का कितना अमाउंट है वो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो जैसे जो नॉर्मल वैल्यू है वुमेन 12-16 ग्राम पर डीएल, एज भी जो वुमेन है तो एक अप्रॉक्स अगर वुमेन का लिया जाए एवरेज तो 12-16 ग्राम पर डीएल होता है। मैन में अगर देखें तो मैन में 14-17 ग्राम पर डीएल होता है। ठीक है, लेकिन जो सेल वैल्यू हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, अगर सेल वैल्यू हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन टेस्ट कर रहे हैं देन नेक्स्ट अपन करते हैं रेड सेल काउंट। रेड सेल काउंट में क्या देखते हैं अपन, टोटल नंबर ऑफ रेड सेल्स। ठीक है, कि जो रेड सेल्स है वो कितना है आपके ब्लड में, तो वो अपन जो आरबीसी है आपके ब्लड में कितना कवर कर रहा है। तो जो मैन है मैन में माइनस मैन में जो है 4.2-4.5 होना चाहिए, देन वुमेन में होना चाहिए 3.6-5.0, दैट इज द रेड सेल वैल्यू इन अ ब्लड। ओके, तो ये इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। बाकी हम जो हमने देखा तो हीमोग्लोबिन का देखा, देखा सेल वैल्यू हीमोग्लोबिन देखा, रेड सेल काउंट देखा। हीमोग्लोबिन में जो है वो पैक सेल होती है उसका वैल्यू कितना होना चाहिए ये देखा हमने, इन जो हीमोग्लोबिन का कंसेंट्रेशन कितना होना चाहिए ब्लड में, देन रेड ब्लड सेल्स आपका कितना होना चाहिए वो चीजें हमने क्या क्या इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हैं देखते हैं। ठीक है, देन मीन कॉर्पस वैल्यू। ठीक है, मीन कॉर्पस वैल्यू क्या है, इट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ आरबीसी। ठीक है, आरबीसी का एवरेज वैल्यू हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल 82-98 ml और द 82-98 SL होता है। देन द मीन कॉर्पस हीमोग्लोबिन इज द एवरेज हीमोग्लोबिन कंटेंट पर आरबीसी, नॉर्मल वैल्यू इज 23-31 ml। ठीक है, मेन कॉर्पस वैल्यू एवरेज वैल्यू ऑफ आरबीसी। ठीक है, मेन कॉर्पस वैल्यू हीमोग्लोबिन एवरेज वैल्यू ऑफ द हीमोग्लोबिन। ठीक है, कॉर्पस वैल्यू जो है वो आरबीसी का हुआ, मेन कॉर्पस हीमोग्लोबिन में हीमोग्लोबिन का एवरेज वैल्यू देते हैं। लेकिन मेन कॉर्पस हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इज द एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का पहले तो अपन एवरेज वैल्यू देखेंगे कितना है, कंटेंट कितना हो रहा है पर आरबीसी में। सेकेंड जो हम टेस्ट करेंगे मीन कॉर्पस वैल्यू कंसेंट्रेशन, तो उसमें हीमोग्लोबिन का कंसेंट्रेशन कितना हो रहा है, तो दैट इज 32-36 g/dL जो है वो डाउन कर दिए, तो वो क्या है नॉर्मल वैल्यू होता है हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन। ओके, फिर मैनेजमेंट। इफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द एनीमिया, हमने क्या कर लिया, सिम्टम्स देख लिए। ठीक है, हमने देख लिया एक फिजिकल एग्जामिनेशन में थोड़ा हमने देखा कि आई का कलर देखा, स्टूल का कलर पूछा, ये सारा कुछ एग्जामिन करने के बाद आफ्टर दैट हमें मैनेज कैसे करना है अगर द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द एनीमिया, अगर पेशेंट जो है एनीमिया से सफर कर रहा है तो दैट टाइम हम उस टाइम पे हम कौन सा मैनेजमेंट अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ही केयर ऑब्जेक्टिव, determine the causes of the iron deficiency, aim of the treatment, lifestyle management। okay, so firstly क्या करना है, iron deficiency का जो causes है उसको क्या करेंगे, determine करना है। the etiology is often multifactorial, even when there is an obvious causes, investigation of the serious underlying causes is recommended। ठीक है, तो जो अंडरलाइन कॉजेज है कि किस वजह से जो है वो एनीमिया हो रहा है, हमने रिस्क फैक्टर्स भी देखे थे, हमने कॉजेज भी देखे थे कि एनीमिया जो है ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं एनीमिया होने के, ये कॉजेज होते हैं एनीमिया के। तो जो एग्जैक्ट जो कॉजेज है पेशेंट्स की, अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग कॉजेज की वजह से एनीमिया हो सकता है, अलग अलग टाइप्स के एनीमिया हो सकते हैं। तो जो टाइप्स होते हैं और जो कॉजेज है उसको हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है। ठीक है, और उसको फुलफिल करना है। फिर एम जो ट्रीटमेंट, हमारा जो ट्रीटमेंट का एम है वो क्या होना चाहिए, नॉर्मलाइज हीमोग्लोबिन लेवल इन द रेड सेल इंडिकेटिंग रिप्लेनिस आयरन स्टोर इंडिविजुअलाइज्ड डिजीज स्पेसिफिक मैनेजमेंट डिपेंडिंग ऑन द अंडरलाइन कॉज। वही चीज है कि बस हमारा जो एम है कि जो रेड सेल्स है उनको क्या करना है, हमें स्टोर करना है एनीमिया की जो कमी, जो रेड ब्लड सेल्स की कमी हो रही है आरबीसी की, उसको रिस्टोर करना है फिर से,
और अकॉर्डिंग टू द अंडरलाइन कॉजेज, अकॉर्डिंग टू द कॉजेज और अकॉर्डिंग टू द टाइप्स में क्या करना है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव या द मेन ट्रीटमेंट एम ऑफ द ट्रीटमेंट। ओके, देन द लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, इट इज अ रिकमेंडेड दैट पेशेंट विद द आयरन डेफिशिएंसी रिसीव डाइटरी एडवाइस। ठीक है, अब रिकमेंडेड करना है, लाइफ स्टाइल को चेंज करना है अगर, तो जो भी कोशिश करना है कि पेशेंट्स को डायरेक्टली एडवाइस, मतलब मील के साथ वो ऐसा मील हमें क्या करना है, उसको बताना है, ऐसे मील को एडवाइस करना है जिससे उसका आयरन की जो आयरन उसकी बॉडी में क्या हो रहा है, कमी हो रही रहती है, तो उसका वो फुलफिल कर सके। ठीक है, तो डायरेक्टली फैक्टर लाइफ स्टाइल के थ्रू भी हम जो आयरन सप्लीमेंट है उसको क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फर्स्टली भी आप उसके नॉन मैनेजमेंट में हम देखेंगे, मैनेजमेंट में फर्स्टली तो क्या था कि जो हमने देखा कि जो अंडरलाइन कॉजेज है उसको क्या करना है, हमें पता करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। ठीक है, देन नेक्स्ट नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट वन इज द टी एंड द कॉफी इन द वेट आयरन अब्जॉर्बेशन। वेट करते हो बिना मीन अंदर सॉर्ट आफ्टर अ मील। ओके, देन नेक्स्ट विटामिन सी इज आल्सो अ पावरफुल इनहांसर ऑफ आयरन अब्जॉर्प्शन फ्रॉम नॉन मेन फूड व्हेन द कंज्यूम विद अ मील। द साइट ऑफ द विटामिन सी इफेक्ट ऑफ आयरन अब्जॉर्प्शन इंक्रीज विद द क्वांटिटी ऑफ विटामिन सी इन द मील। ठीक है, जो विटामिन सी है वो पावरफुल इनहांसर होता है जो आयरन है उसको कंज्यूम एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, मतलब जो हम फूड ले रहे हैं, आयरन सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो उसके एब्जॉर्प्शन में विटामिन सी बहुत हेल्पफुल होता है। तो जो भी मील आप ले रहे हो तो उसको उसकी क्वांटिटी विटामिन सी की क्या करनी है, बढ़ा लें। ठीक है, देन जर्मिनेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ द सीरियल्स एंड द लेग्यूम्स इंप्रूव द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन बाय रिड्यूसिंग द कंटेंट ऑफ द फाइबर अ सब्सटेंस इन अ फूड दैट इनहिबिट आयरन अब्जॉर्प्शन। ठीक है, कि जो सीरियल्स होते हैं, ठीक है, सीरियल्स क्या करते हैं, आपके जो आयरन है उसको इम्प्रूव करते हैं, बायोबिलिटी को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। तो इनके इनकी जो एब्जॉर्प्शन है, जो इनका इनटेक है वो क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है, आयरन अब्जॉर्प्शन के लिए then promote and support active breastfeeding for about 6 months followed by the breastfeeding with appropriate complementary food including iron rich to the second year of life। क्या करना है कि ब्रेस्ट फीडिंग को सपोर्ट करना है। ठीक है, बिकॉज कि मैंने इंट्रोडक्शन में वी हैड टू डिस्कस कि जो एनीमिया है, जरूरी नहीं है कि एक एज ग्रुप डिसाइड हो गया है तो उसी एज ग्रुप में एनीमिया हो। ठीक है, बिना आपको अगर आप न्यूबोर्न बेबी है, अगर आप जो मदर है प्रॉपर क्वालिटी की आयरन नहीं ले रही थी तो उसको भी एनीमिया हो सकता है मदर के साथ साथ। ठीक है, फिर एक ग्रोइंग एज के लिए जो आयरन रिक्वायरमेंट है वो अगर फुलफिल नहीं होता है तो उस टाइम बेबी क्या हो सकता है, आयरन डिफिशियंसी या तो एनीमिया हो सकता है। ठीक है, तो ब्रेस्ट फीडिंग को क्या करना है, सपोर्ट करना है, बताना है कि ब्रेस्ट फीडिंग आपका न्यूट्रिएंट्स को कम्प्लीट करती है, ऑल ओवर न्यूट्रिएंट्स ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू मिल जाते हैं। देन आफ्टर जब 6 मंथ के बाद जब कॉम्प्लीमेंट्री फूड आप एड करते हैं तो उसमें आयरन सप्लीमेंट्री भी हमें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, देन रिकमेंडेड डाइट अलाउ, मतलब जो एक डाइट में हमें पर डे कितना मील लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप वो अपन देखेंगे। तो फर्स्टली वी हैव टू सी मेन एडल्ट में, ठीक है, अगर मैन है तो एक एडल्ट मेन है तो उसको कितना पर डे अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, तो 8 mg पर डे। ठीक है, जो आयरन सप्लीमेंट्री है तो उसको 8 mg पर डे क्या करना चाहिए, मेक करना चाहिए। ठीक है, देन वुमन एडल्ट है एज 15 तो 8 mg उनको भी रिक्वायरमेंट होता है। अगर एज 19-50 है तो 18 mg, बिना प्रेग्नेंट वीमेन है तो 27 mg, लैक्टेटिंग है 9 mg टू 10 mg, एडोलेसेंस है एज 9-18, देन गर्ल्स एंड बॉयज, तो फिर गर्ल्स है तो 8 mg 8 mg टू 15 mg देना है गर्ल्स को, बॉयज को 8 mg टू 11 mg देना है। Then अगर children से birth to age 8, ages to 4 to 8 to 10 mg recommended करना है अपने children को। ठीक है, then infant के लिए 7 months to 1 year का तो उसको 11 mg देना है, infants
बस तो 6 मंथ का है तो 0.27 एमजी के बारे में रिकमेंडेड करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अपने डाइट में देनी आपको अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप ये सारी चीजें क्या कहते हैं बिरानी है, मतलब अगर आप इतना डेली इंटेक कर रहे हो तो आपको एनीमिया होने के चांसेस है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एनीमिया होने से क्या कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो। तो डाइटिंग पैटर्न में आप इतना, जब आप 4 सप्लीमेंट्री बता रहे हो, 14 मील्स का बता रहे हो, तो आप ये भी बता सकते हैं कि आपको डेली इतना रिक्वायरमेंट होता है और इस फूड के थ्रू आप रिक्वायरमेंट को क्या कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो। देन मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट में नेक्स्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पैरासाइटिक कंट्रोल मेथड इन द एंट्री फिलामेंटस थेरेपी विद 4 mg ऑफ द सिंगल डोसेज ऑफ एल्बेंडाजोल इज गिवन टू द एल्विनेट टू फॉर्म बिफोर द इनिशिएशन ऑफ आयरन द फोलिक एसिड थेरेपी, ठीक है। ये क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट है। तो एंटी फिलामेंटस थेरेपी है वो अपन क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं 400 mg सिंगल डोज ऑफ एल्बेंडाजोल, ठीक है। एल्बेंडाजोल क्या है, टैबलेट है, ठीक है। उसको अपन क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। चाइल्ड को कितना देते हैं, लेस देन अगर 2 ईयर से कम का चाइल्ड है तो 200 mg पर डे सिंगल डोज देते हैं, ठीक है। इन प्रेगनेंसी में जो एल्बेंडाजोल का ये क्या है, नॉर्मल जो एडल्ट है उसको 400 mg सिंगल डोज में देते हैं, चाइल्ड में अगर 2 साल से कम का बच्चा है तो उसको 200 mg पर डे सिंगल डोज में, लेकिन अगर प्रेगनेंट लेडी है तो उसको हम कितना प्रोवाइड करेंगे। तो एल्बेंडाजोल का साइंस का कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर कैन बी एडमिटेड इन द सेकंड टू द थर्ड ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो प्रेगनेंट लेडी है उसको अगर एल्बेंडाजोल नहीं देंगे, सेकेंड ईयर थर्ड ट्रिमेस्टर में इसको अलाउ हो जाता है। तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है एल्बेंडाजोल प्रेगनेंट लेडी के फर्स्ट ट्रिमेस्टर में, तो फर्स्ट 3 मंथ, ठीक है। फर्स्ट 3 मंथ वी हैव टू नॉट रिकमेंड एल्बेंडाजोल, ओके, इन अ प्रेगनेंट लेडी। देन ट्रीटमेंट फॉर द 6 to 24 मंथ, इफ द बेबी इज 6 to 24 मंथ का बेबी है तो उसको किस तरीके एनीमिक है, तो हाउ टू ट्रीट। तो फर्स्ट डोजेस में 12.25 mg आयरन प्लस 50 UG फोलिक एसिड देना है। नॉर्मल लो वेट वेट अगर है 2500 ग्राम से कम का वेट है उसका, ड्यूरेशन कितना देना है, नॉर्मल अगर है 12.5 mg आयरन प्लस 50 UG फोलिक एसिड देना है, अगर जो वेट है नॉर्मल है तो उसे 6 to 24 मंथ ऑफ द एज में दे सकते हैं। अगर लो वेट बेबी है तो उसको 2nd मंथ से स्टार्ट करके 20 मंथ तक अपन क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, वेट नॉर्मल वेट है अगर बेबी का, ठीक है। तो नॉर्मल वेट में अपन क्या क्या करते हैं, कल को अगर नॉर्मल वेट वाला बेबी जो है एनीमिक हो रहा है, क्या कर सकते हैं हमने फोलिक एसिड एरल सप्लीमेंट्री दे, ठीक है। इस ट्रीटमेंट ऑफ द माइल्ड एंड मॉडरेट, अगर माइल्ड एंड मॉडरेट क्लिनिक है तो किस तरीके से हम ट्रीट करेंगे। तो ग्रुप चिल्ड्रन अगर है 2 to 5 ईयर का है तो 20 to 30 mg आयरन डोज देंगे, ठीक है। चिल्ड्रन अगर 6 to 11 ईयर का है तो 30 to 60 mg आयरन डेली देंगे। एडोलेसेंस एंड एडल्ट है तो उसको 60 mg आयरन डेली देंगे। चिल्ड्रंस में क्या देखा, अगर चिल्ड्रंस 2 से 5 साल का बच्चा है तो 20 to 30 mg आयरन देते हैं। अगर जो चिल्ड्रंस है मतलब 5 साल से ज्यादा हो गया है, 5 साल तक पर कितना दे रहे हैं, 20 से 30 mg आयरन दे रहे हैं, ठीक है, डेली डोजेस में। फिर अगर बच्चा जो है वो 6 से 11 साल का हो गया है तो उस टाइम पे 30 to 60 mg आयरन देते हैं, ठीक है। जो एनीमिया है अगर माइल्ड एंड मॉडरेट ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 से 4 मंथ में क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। अगर कंटिन्यू ट्रीटमेंट क्या कर रहे हैं, ये है।
कंटिन्यू आरएस थेरेपी एंड एडिशनल 4 to 6 months अगर आप लोग का हेमोग्लोबिन नॉर्मलाइज टू रिप्लेनिश द आयरन स्टोरेज ओके Then treatment of the severe anemia. If the person suffering from the severe anemia, तो उस टाइम पे हम कौन सा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे तो अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप देखते हैं अभी हमने एज ग्रुप में क्या देखा था माइल्ड एंड मॉडरेट का देखा डोंट बी कंफ्यूज अभी हम जो ट्रीटमेंट और जो हम दे रहे थे उसको कितना पर डे रिकमेंड होता है वो माइल्ड एंड मॉडरेट एनीमिया के लिए था सेकेंड जो हम दे रहे हैं डोजेस तो वो किसके लिए सीवियर एनीमिया के लिए है तो एज ग्रुप एज से 2 ईयर ठीक है 2 साल से कम एज है तो अगर सीवियर एनीमिया से सफर कर रहा है तो 25 mg आयरन प्लस 100 to 400 यूजी फोलिक एसिड डेली देना है 3 मंथ तक बेबी अगर 2 मंथ से कम सॉरी 2 साल से कम उसका एज है ठीक है और उसे हम वो सफर कर रहा है सीवियर एनीमिया से तो 25 mg आयरन प्लस 100 to 400 यूजी फोलिक एसिड डेली देना है 3 महीने तक ठीक है देन 2 to 2 ईयर वाला जो चिल्ड्रन है उसको हम क्या देते हैं 60 mg आयरन प्लस 400 यूजी फोलिक एसिड डेली 3 मंथ तक देने ड्यूरेशन 3 मंथ ही चल रहा है जहाँ पे डोजेज है वो क्या हो जाते हैं ज्यादा हो जाते हैं ये भी आगे 2 साल से कम का है 25 mg आयरन प्लस 100 to 400 यूजी फोलिक एसिड डेली देते हैं ठीक है 2 से 12 साल का है तो 60 mg आयरन प्लस 400 यूजी फोलिक एसिड देते हैं ठीक है इन एडोल्सेंट एंड द एडल्ट अंडर है अगर वो प्रेग्नेंट वुमन है तो 120 mg आयरन प्लस 400 यूजी फोलिक एसिड डेली 3 महीने तक कंटिन्यू करते हैं ड्यूरेशन आपका जो ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन है वो 3 मंथ ही चलना है ठीक है लेकिन जो डोजेस है वो अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप आपका क्या होता है बढ़ता जाता है अगर बच्चा है तो 25 mg आयरन ठीक है देन अगर 2 साल से ज्यादा का है तो 60 mg आयरन देन अगर एडल्ट से देन अडल्ट में प्रेग्नेंट है तो 120 mg आयरन तो उसको क्या करना है गिवेंट करना है आफ्टर कंप्लीटिंग द 3 मंथ ऑफ द थेरेप्यूटिक सप्लीमेंट्री प्रेग्नेंट वुमन एंड एन इंसान शुड कंटिन्यू प्रेग्नेंट सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम ठीक है अगर 3 मंथ का जो है वो कम्प्लीट हो गया अब फिर डैट हमें क्या करना है रिकॉर्ड करना है जैसे अगर कुछ ऐसा आ रहा है तो क्या करना है कंटिन्यू सप्लीमेंट्री क्या कर सकते हैं दे सकते हैं ट्रीटमेंट ऑफ द प्रेग्नेंट वीमेन ठीक है अब प्रेग्नेंट वीमेन को हम अगर एनीमिया है एनीमिया से सफर कर रही है प्रेग्नेंट लेडी तो किस तरीके से हम उसको ट्रीट करते हैं तो प्रिवेलेंस ऑफ एनीमिया प्रिवेलेंस ऑफ एनीमिया प्रिवेलेंस ऑफ एनीमिया इन द प्रेगनेंसी ठीक है तो मोर देन 40% ऑफ पॉपुलेशन ठीक है अगर हम अपना जो पॉपुलेशन है वो देखें तो 40% से भी ज्यादा जो वुमेन प्रेगनेंट वीमेन है वो एनीमिक है एनीमिया से सफर कर रहे हैं ठीक है तो डोजेस हम क्या करते हैं 60 mg आयरन प्लस 400 यूजी फोलिक एसिड डेली प्रोवाइड करते हैं ड्यूरेशन क्या होता है 6 मंथ इन प्रेगनेंसी एंड कंटिन्यू टू द 3 मंथ पोस्ट पार्टम ठीक है जो प्रेगनेंट लेडी है तो सफरिंग फ्रॉम द प्रेगनेंट एनीमिया इन द फॉर द प्रेगनेंट लेडी तो उसे हम क्या करते हैं 60 mg आयरन प्लस 400 यूजी फोलिक एसिड डेली देते हैं ड्यूरेशन क्या होना चाहिए 6 मंथ प्रेगनेंसी के 6 मंथ तक कंटिन्यू करना है पोस्टमार्टम आफ्टर द डिलीवरी तो 3 महीने तक उसको क्या करना है कंटिन्यू करना है ठीक है अगर प्रेगनेंट लेडी है वो सफर कर रही है मोर अपने पॉपुलेशन में अगर देखते तो 40% से भी ज्यादा जो वीमेन है वो सफर कर रहे हैं आयरन डेफिशिएंसी से ठीक है एलन एब्जॉर्प्शन में भी डिक्रीज बाय द इंटेंसिटी ऑफ द सप्लीमेंट्री कंटेंट कंटेनिंग एल्बुमिनियम मैग्नीशियम कैल्शियम जिंक पोर्शन फ्रॉम इनहिबिटर्स फेज एडमिनिस्ट्रेशन अपार्ट बाय एटलीस्ट 2 आवर्स और ओरल आयरन प्रिपरेशन वी कॉल इट नोसिया वोमिटिंग डिस्पेप्सिया कॉन्स्टिपेशन डायरिया एंड डॉग फूड स्ट्रेटजीज टू मिनिमाइज दीज इफेक्ट इंक्लूड स्टार्ट एट अ लो बाय डोजेज एंड इंक्रीज ग्रेजुअली ओवर 4 to 5 days giving decided doses on the lowest effective dose on the taking supplement with the milk. Then, although sustained release iron preparations face towards less gastrointestinal side effects,
they may not be as effective as a standard field potato juice due to reduced poor iron absorption. ठीक है, तो इफ हम आयरन सप्लीमेंट्री दे रहे हैं, ठीक है, तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी है, उसको भी हमें पेशेंट्स को क्या करना है, बताना है कि उसके स्टूल में चेंजेस आएंगे, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन होगा, डायरिया भी हो सकता है, तो ये कॉम्प्लिकेशन, ये साइड इफेक्ट, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल चैनल का जो है वो साइड इफेक्ट, अगर आप आयरन सप्लीमेंट्री ले रहे हो तो उसमें चेंजेस आपके आ सकते हैं, आपके जीआईसी के को भी चेंजेस आ सकते हैं, तो उसके बारे में भी पेशेंट्स को क्या करना है, एडवाइस करना है और कोशिश ये करना है कि जो आयरन सप्लीमेंट्री है वो मील के साथ, मतलब ऐसा फूड आप पेशेंट्स को लेने के लिए बोलो जो कि आपकी आयरन को क्या कर सके, फुलफिल कर सके, ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, एडवाइस करना है. तो बेनिफिट ऑफ द थेरेपी, जो हम थेरेपी दे रहे हैं सप्लीमेंट्री, तो उसका बेनिफिट क्या है, तो फर्स्टली पॉपुलेशन ग्रुप के अकॉर्डिंग देखते हैं अपन, तो चिल्ड्रंस में क्या है बेनिफिट, तो इम्प्रूव बिहेवियर इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, चिल्ड्रंस का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसका क्या होता है, इम्प्रूव होता है, अगर हम आयरन सप्लीमेंट्री दे रहे हैं, फोलिक एसिड सप्लीमेंट्री दे रहे हैं, ठीक है, तो उनका मतलब जो कॉग्निटिव बिहेवियर है, अगर चिल्ड्रन सफर कर रहे हैं नींद से, तो उसका डेवलपमेंट क्या हो जाता है, रुक जाता है, तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए क्या करता है, हेल्प करता है, वेयर एनीमिया इज अ कॉमन, इम्प्रूव चाइल्ड सर्वाइवल, ओके, इन द एडोलेसेंस इम्प्रूव कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन अ गर्ल बिगर आयरन इज स्टोर फॉर द लेटर प्रेगनेंसी, ठीक है, एडोलेसेंस में भी क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है, देन प्रेगनेंसी के टाइम के लिए वो आयरन क्या करता है, बॉडी में गर्ल्स के लिए स्पेशली स्टोर रहता है, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे हेल्पफुल होता है, उनमें आयरन और फोलिक एसिड की लैकिंग नहीं होती है, कमी नहीं होती है, ठीक है, देन प्रेग्नेंट वुमेन एंड देयर इन्फेंट डिक्रीज लो बर्थ वेट, ठीक है, लो बर्थ वेट को क्या करता है, डिक्रीज करता है, वेयर फीमेल एनीमिया इज अ कॉमन, डिक्रीज मैटरनल मॉर्टिलिटी एंड द ऑब्स्टेट्रिकल कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, अगर प्रेग्नेंट लेडी है और इन्फेंट है, तो प्रेग्नेंट लेडी को अगर सप्लीमेंट्री दे रहे हैं, आयरन सप्लीमेंट्री दे रहे हैं, तो फर्स्टली तो जो लो बर्थ वेट होते हैं बेबी, तो उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है, सेकेंड चीज जो एनीमिया के कॉमन कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसको क्या करते हैं, मैलेरिया मॉर्बिडिटी रेट को क्या कर रहे हैं, कम करते हैं, ठीक है, और प्रैक्टिकल जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसको भी क्या करते हैं, कम करते हैं, तब जो प्रेग्नेंट लेडी है वो आयरन सप्लीमेंट्री ले रही है, तो ऑल इंडिविजुअल्स में क्या है आयरन सप्लीमेंट्री का बेनिफिट, इम्प्रूव फिटनेस इन द वर्क कैपेसिटी, इम्प्रूव कॉग्निशन, ठीक है, कि जो फिटनेस एंड वर्क कैपेसिटी है वो क्या होती है, इम्प्रूव होती है इफ यू आर टेकिंग आयरन सप्लीमेंट्री, तो जो हम आयरन सप्लीमेंट्री थेरेपी देते हैं उसके ये बेनिफिट है अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप, चिल्ड्रंस में क्या है कॉग्निटिव बिहेवियर को इम्प्रूव करते हैं, एडोलेसेंस में कॉग्निटिव बिहेवियर को तो इम्प्रूव ही करते हैं, साथ में जो गर्ल्स चाइल्ड है तो उसको क्या करते हैं, स्टोर होके रखते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंट लेडी है तो लो बेबी का जो लो बर्थ वेट है उसको क्या करता है, डिक्रीज करता है, मेटेरियल मॉर्टिलिटी रेट को कम करता है, जो ऑब्स्टेट्रिकल कॉम्प्लिकेशंस आते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ड्यूरिंग द डिलीवरी तो उसको भी क्या करता है, रिड्यूस करता है, ऑल इंडिविजुअल्स में क्या है, इम्प्रूव द फिटनेस एंड द वर्क कैपेसिटी, दैट इज अ बेनिफिट ऑफ द थेरेपी, थैंक यू सो मच, that is all about the anemia, मैं दो क्लासेस स्टडी की थी, प्रीवियस क्लास में देखा कि जो एनीमिया है वो क्या होता है, एनीमिया क्या होता है कि आपके ब्लड में आरबीसी का कम हो जाना, ठीक है, दैट इज अ कॉल एनीमिया, ठीक है, आपके जो ब्लड है बहुत सारे कंपोनेंट्स से बना होता है, ठीक है, तो उसमें आरबीसी का जो रेड ब्लड सेल्स है उसकी कमी आना दैट इज अ कॉल एनीमिया, बहुत टाइप के एनीमिया होते हैं, अलग अलग पर्सन में डिफरेंट टाइप के एनीमिया हमें देखने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं आई में चेंजेस क्या देखने को मिलते हैं, इंटेस्टाइन में क्या देखने को मसल्स में, तो अकॉर्डिंग टू द हमने बॉडी सिस्टम क्या देखा, बॉडी ऑर्गन्स देखा कि इफ द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द एनीमिया तो उस टाइम पे ये चेंजेस उसके बॉडी में देखने को मिलते हैं, तो हाउ टू ट्रीट द एनीमिया देन हाउ टू मैनेज द एनीमिया ये सारा कुछ हमने इस क्लास में देखा, सो आई होप यू हैव टू अंडरस्टूड टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच.